जो हमारा युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था उसे उत्तर प्रदेश के बाहर तैयारी के लिए भी न जाना पड़े। अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था कमिश्नरी स्तर पर पहले चरण में संपन्न हो चुकी है, जनपद स्तर पर भी इस कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित 43 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभ्युदय कोचिंग से कोचिंग प्राप्त की और फिर उनका चयन भी प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न हुआ है। यानी ये दिखाता है सरकार के द्वारा उठाए गए कदम उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए सार्थक भी हैं और सकारात्मक भी हैं।